राम जी ने विश्वामित्र की यज्ञ को सफल करा दिया। सुबह हुई, राम जी मुस्कुराते हुए बोले, गुरुदेव आपकी यज्ञ सफल है। विश्वामित्र जी मुस्कुराते हुए बोले, राम ये तो पहली यज्ञ है, अब दूसरी यज्ञ जनकपुर में पूर्ण करो। और राम जी समझ गए, गुरुदेव की आज्ञा समझ गए। उसी समय धनुष यज्ञ की पत्रिका जनकपुर से विश्वामित्र जी के पास आई। राम जी से विश्वामित्र जी कहने लगे, राम तुमने हमारी यज्ञ पूरी की, अब जनकपुर में महाराज जनक जी की यज्ञ पूरी करो, चलो हमारे साथ। राम जी गुरुदेव भगवान श्री विश्वामित्र जी के साथ चलने लगे। जनकपुर बड़े राजा जनक को पता लगा विश्वामित्र महामुनि आए, गुरु जी को लेकर ब्राह्मणों को लेकर स्वागत किया, प्रणाम किया, आसन पर बैठाया, कुशल वार्ता पूछी। उसी समय राम जी और लक्ष्मण जी थोड़ा पीछे रह गए थे, तो राम जी और लक्ष्मण जी आए। इतने दिव्य रूप को देख करके जनक राज की भी सुधी बेसुध हो गई, देख करके जनक राज जी परेशान हो गए, अरे ये नर है या नारायण। जनक जी का दिमाग खराब हो गया, पूछा महाराज इनका परिचय क्या है। गुरुदेव भगवान श्री विश्वामित्र जी ने परिचय बताया, ये रघुकुल मणि है, दशरथ के जाए हैं, हमारी यज्ञ के लिए भेजा है, तो क्या आपकी यज्ञ सफल हो गई, जनक जी ने पूछा। विश्वामित्र जी मुस्कुराते हुए बोले, जनक जी हमारी तो सफल हो गई, अब ये तुम्हारी यज्ञ सफल करने आए। राजा प्रसन्न हुए, अब मन में विचार करते हैं इन्हें रुकाया कहां जाए। जनक जी कहते, महाराज आप होते तो आप तो कहीं भी रुक जाते, पर ये दोनों राजकुमार आए हैं, इन्हें तो भवन चाहिए, तो सीता माता के भवन में ठहराने की जिम्मेदारी दी गई। तो जानकी जी से कहा जनक जी ने, एक काम करो बिटिया, अब ये भवन खाली कर दो, तुम हमारे भवन में आ जाओ, यहाँ दशरथ जी के दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि रहेंगे, पर हम कहाँ रहेंगे। श्री जानकी जी से जनक जी कहते, तुम हमारे भवन में रहो। श्री जानकी जी पिता के भवन में चली गई, राम जी रुक गए। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया हमारा मन है जनकपुर देख ले। राम जी गुरु जी से बोले, गुरु जी लक्ष्मण जी की इच्छा है कि हम नगर देख लें, तो एक आज्ञा दो हम लक्ष्मण जी को नगर दिखाया है। तो मुस्कुराते हुए गुरु जी बोले, एक बात बताओ, नगर लक्ष्मण जी को देखना है तो तुम्हें जाने की क्या जरूरत। राम जी बोले, हम इन्हें जल्दी ले आएंगे, बाल बच्चे हैं, कहीं गुम जाए देर लग जाए। तो गुरु जी बोले, क्या तुम पहले आ चुके। राम जी बोले, नहीं हम तो पहली बार आए। तो गुरु जी बोले, तुम दिखाओगे कि यहाँ के पहरेदार। नहीं नहीं पहरेदार दिखाएंगे। हाँ तो पर तुम्हारी क्या जरूरत है। गुरु जी हम लक्ष्मण जी को दिखा लाएंगे, आप हमें आज्ञा दे दो। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोले, आप अपने रूप का दर्शन जनकपुर वासियों को देना चाहते हो, हम समझ गए, राम जाओ। राम जी महाराज गुरुदेव भगवान की आज्ञा मान करके चले। राम जी जनकपुर की गलियों में घूमे लक्ष्मण जी के साथ, जिनको भी पता लगा सब दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। सखियां ऊपर से देखने लगी, लेकिन राम जी सीधे, अच्छा राम जी तो सीधे हैं, लक्ष्मण जी थोड़ा टेढ़े। राम जी इतने सीधे कि चल रहे तो सिर नीचे, अच्छा जब सिर नीचे करें तो ऊपर खड़े हुए लोगों को क्या दर्शन होंगे। तो ऊपर से खड़ी खड़ी सखियां सोचने लगी कि सब तो देख रहे हैं, हमें नहीं दिखाई पड़ रहा, क्या करें। एक सखी बोली, तुम इनका परिचय जानती हो। हाँ हाँ हम जानते, एक काम करो इनका नाम लो, ये अपने आप देखें। एक सखी बोली, अरे सखियो ये जो आगे आगे चले जा रहे इनका नाम है राम, दूसरे वाले का नाम है लक्ष्मण। राम जी ने नहीं देखा। लक्ष्मण जी धीरे से बोले, महाराज कुछ दर्शन वाले ऊपर खड़े। राम जी बोले, नीचे देखो। सखियां बोली, नहीं देख रहे। तब तक दूसरी सखी बोली, एक काम करो इनके बाप का नाम। अरे सखियो ये जो दोनों जा रहे ना, पता है इनके पिताजी कौन है। कौन है? चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी उनके बेटा हैं। लक्ष्मण जी बोले, भैया बाप तक पहुंच गई, अब तो देखो। राम जी बोले, हम नहीं देखें, चुप सीधे चल। एक सखी बोली, इनके गुरुजी का नाम लो, ये गुरुजी को बहुत डरते। अच्छा तो क्या तुम्हें गुरुजी का नाम आता। हाँ इनके गुरुजी का नाम है विश्वामित्र, उनकी यज्ञ की रक्षा के लिए आए हैं। लक्ष्मण जी बोले, भैया ऊपर देखो, लगता है ये अपनी पूरी कुंडली जानती हैं। राम जी बोले, चाहे जो हो जाए हम नहीं देखेंगे। अब सखियां बड़ी टेंशन में। एक सखी बोली, एक काम करो इनकी माता जी का नाम। अब सखियां विनोद करती हुई कहती, दोनों हाथ से ताली बजा कर, जो आगे जा रहे ना इनकी माँ का नाम कौशल्या है, राम नाम है,
लक्ष्मण जी बोले ले ओ, अब तो पूरी कुंडली खोल गई, अब तो देखो। राम जी बोले चुप, हम नहीं देखेंगे। तब तक सखियों ने लक्ष्मण जी का नाम लिया। ये जो पीछे जा रहे गोरे गोरे, इनका नाम लक्ष्मण है, इनकी माँ का नाम सुमित्रा है। सोई लक्ष्मण जी ने टेढ़ा मुंह करके कहा, हम तो देख रहे हैं, हमारी कुंडली खोलने की क्या जरूरत है, हम तो देख रहे। लेकिन राम जी ने नहीं देखा, सखियां निराश हो गई। उनमें एक सखी भगवान शंकर ही बने हुए हैं। तब तक एक उपाय किया एक सखी ने, बोले ये ऐसे नहीं देखेंगे, एक काम करो पुष्प लाओ। फूलों की टोकरी लेकर आई, सब सखियों ने अपने अपने हाथों में फूल ले लिए, और फूल लेकर के जैसे ही पुष्प बरसाए, राम जी ने ऊपर की तरफ तुरंत देख लिया। फूल को बरसता हुआ देखकर क्यों देखा, इतना नाम लिया क्यों नहीं देखा। फूल का एक पर्यायवाची नाम है सुमन, सुंदर मन को ही जब राम जी पर कोई बरसा देता है, तब भगवान की दृष्टि उस जीव पर पड़ जाती है। समय धीरे धीरे नित्य नियम हुआ। उसी समय गुरु जी ने राम जी से कहा, जाओ पुष्प ले आओ। पुष्प लेने के लिए राम जी बाटका में आए, बाग में जैसे ही गए पुष्प तोड़ने लगे, श्री सियाजू जानकी जी उसी बाग में गौरी पूजन के लिए आई थी सखियों के साथ। एक सखी सीताजू को छोड़कर के बाग देखने के लिए आई, उसने दोनों भाइयों को देखा तो सुधबुद खो बैठी। दौड़ी दौड़ी सियाजू के पास आई, क्या हुआ, इतनी हांफ क्यों रही हो। श्री जानकी जी ने पूछा तो सखी कहती है, आपको पता है जो कल नगर में आए हुए थे, जिन्होंने पूरे नगर को मोहित कर लिया, वही दोनों भाई आज बगिया में आए हुए हैं। सियाजू कहती हमें देखना है। अच्छा चलो। राम जी ने कंकर नूपुर की धुनी सुनी, समझ गए श्री सियाजू आई हैं। वृक्ष की ओट में श्री जानकी जू किशोरी जू खड़ी हो गई, इस तरफ राम जी खड़े हो गए। एक बार राम जी ने देखा, श्री किशोरी जू ने एक बार देखा, और एक बार जैसे ही नजर मिली, सोई हमारी किशोरी जू ने आंखें बंद कर ली। क्या बात, सखियों ने पूछा क्या शर्म लग गई। नहीं नहीं, फिर श्री किशोरी जू कहती हैं, ये जो रूप माधुर्य है, इतना सुंदर प्यारा चेहरा है, हमने देखकर आंखें इसलिए बंद कर ली कि कुछ देर बाद ये तो चले जाएंगे, लेकिन इनका रूप माधुर्य हमारे आंखों से ना चला जाए, इसलिए अपने नैनों में बसा लिया है। सखियां गईं लिवा करके। श्री सियाजू ने गौरी अम्बा का पूजन किया, प्रार्थना की, पुष्प लेकर के आए। दूसरा दिन हुआ, अब आगे आज धनुष यज्ञ का समय आ गया। सात देश देश के राजा धनुष यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं। जनक के दरबार में तरह तरह के राजा धनुष तोड़ने के लिए आए हुए हैं। राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी तीनों चले। राम जी बैठ गए, अब बंदी जनों ने घोषणा की, सुनो 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 सुनो, महाराज जनक के दरबार में आए हुए सभी राजाओं, यह जो यज्ञशाला के मध्य में बीच में धनुष रखा हुआ, ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये भगवान शंकर का दिया हुआ पिनाक नामक धनुष है। जो भी वीर, जो भी राजा इस धनुष को तोड़ेगा, आज टूटते ही उसका विवाह महाराज जनक की सुंदर सुकुमारी कन्या जानकी जी के साथ होगा। जैसे ही राजाओं ने प्रण हुआ सुना, साहब राजा तिलमिला गए, अरे इतना छोटा धनुष अभी तोड़ देंगे। बहुतों ने उठाया, अरे टूटना तो दूर की बात, उठा नहीं पाए, दिल भर हिला नहीं पाए। राजा परेशान हो गए। अब जनक जी परेशान, धनुष उठ नहीं रहा, प्रतिज्ञा पूरी कैसे होगी, बेटी का विवाह किससे होगा। अब जनक जी की नजर बार बार राम जी पर जावे, पर राम जी खड़े ही नहीं हो रहे। अब राम जी खड़े कैसे होंगे, तो जनक जी हैं ज्ञानी, उन्होंने सोचा राम जी तो हैं पताका, पताका मतलब झंडा, लेकिन झंडा कब फहराता है, जब डंडा हो। जब तक डंडा खड़ा नहीं होता, झंडा फहराता नहीं है, तो अगर राम जी झंडा है तो लक्ष्मण जी डंडा है। जनक जी ने विचार किया, झंडा तभी उठेगा जब डंडा उठे, पर डंडा कैसे उठे। तो अब जनक जी ने थोड़ी उल्टी बातें शुरू की, हे देश देश के राजाओं, हमने देख लिया, हमने जो प्रण किया, देश देश के राजा हजारों की तादाद में आए हुए हैं, लेकिन आज हमने देख लिया पृथ्वी वीरों से खाली। अच्छा बात कह तो रहे राजाओं से, देख रहे लक्ष्मण जी की, लक्ष्मण जी की तरफ क्यों देख रहे, असर हो रहा है कि नहीं। कहा कि आज के बाद कोई वीर अपने आप को ना कहना, हमने देख लिया पृथ्वी वीरों से खाली है,
आज के बाद कोई तीर नहीं है। लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी हो गईं। जनक जी बोले गोली ने काम कर दिया। धीरे से लक्ष्मण जी राम जी से बोले आपकी आज्ञा हो तो हम दो चार प्रवचन दे ले। राम जी बोले नहीं 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 चुप बैठो, अपन को क्या लेना देना। लक्ष्मण जी बोले दरअसल ये तुम्हारे पढ़ाई के आदमी नहीं है, हमारी स्टोरी के आदमी है। और लक्ष्मण जी खड़े भय, और लक्ष्मण जी खड़े भय तो आदरणीय नहीं कहा। और जैसे ही खड़े भय और जनक जी की तरफ देख कर बोले हे राजा जनक, जब से हम आए हैं तरह तरह की बातें कर रहे कि कोई वीर नहीं है, कोई वीर नहीं है, वीर नहीं है। सुनो, किसी भी सभा में रघुवंशियों का एक छोटा सा बालक भी बैठा हो तब ये बात शोभा नहीं देती। और तुम्हारे सामने रघुवंशियों के कुल श्रोमणि सूर्य की तरह चमकने वाले प्रभु श्री राम रघुवीर विराजमान है। कौन कहता है वीर नहीं है? अरे रघुवीर है, तुम कहते वीर नहीं है। जहां लक्ष्मण जी बोले सोई जनक जी डरा गए। लक्ष्मण जी महाराज भौहें टेढ़ी करके कहते जनक जी आप उस धनुष की बात करते हो, अरे हमारे राम जी का अनुशासन मिल जाए, धनुष तो ठीक है, हम अभिमान में नहीं प्रभु के स्वभाव में कहते हैं धनुष तो छोड़ो, पूरे ब्रह्मांड को उठा करके ले जाए। और केवल ब्रह्मांड को उठा नहीं लेंगे, जिस प्रकार कच्चे घड़े को हाथी अपने पैर से मसल देता है हम भी पूरे ब्रह्मांड को मसल दे। लक्ष्मण जी की बातें सुनी सांप डर गए, पृथ्वी कांप गई, लेकिन किशोरी जूसरी जानकी जी खुश हैं। भीतर ही भीतर बोली बा देवर जी गजब कर दिया। जानकी जी प्रसन्न है, बढ़िया किया देवर जी। अब राम जी ने सोचा ज्यादा गड़बड़ ना हो जाए, इशारा किया बैठ जाओ, कोई जोश नहीं, शांत बैठ गए लक्ष्मण जी। जब बैठ गए तो गुरु जी ने तुरंत कहा हे राम अब तुम उठो, जनक के मन के संदेह को मिटाओ, धनुष को तोड़ो। राम जी उठे, गुरुदेव को प्रणाम किया। राम जी बहुत सहज प्रणाम किया, गुरु जी को पुनः प्रणाम किया, धनुष को देखा। माता जानकी जी गणेश जी को मनाती, सब प्रार्थना करते। राम जी ने जाकर के धनुष को पकड़ा, कब उठाया कब तोड़ा कोई देख नहीं पाया। धनुष टूट गया, किसी को पता नहीं लगा, जय जयकार हो गई भैया, सब जय जयकार होकर के भगवान ने धनुष को तोड़ करके डाल दिया। और वरमाला होती है, भगवान के गले में माला पहनाई जाती, सियाजू के गले में माला पहनाई जाती। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम।